हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में आज के हमारे इस प्रीमिक्स में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के कल्चर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे राइट तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांसेस में आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं पहली स्टेटमेंट है डांसर्स ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स इज फाउंड इन कुचिपुड़ी बट नॉट इन भरतनाट्यम दूसरा डांसिंग ऑन दी ब्रास प्लेट बाई कीपिंग द फीट ऑन इट्स एजेस इज अ फीचर ऑफ भरतनाट्यम बट कुचिपुड़ी डज नॉट हैव एनी सच फॉर्म ऑफ मूवमेंट आपके सामने ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या नीदर वन नॉर टू अब ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है राइट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा नहीं है कुचिपुड़ी भरतनाट्यम के बारे में तो आपको पास करना ही होगा यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट नाइसली राइट आप बिल्कुल शूटिंग इन दी डार्क वाली बात होगी कि कुछ भी आइडिया नहीं है फिर भी कुछ मार्क कर रहे हैं अगर पढ़ा है तो याद करने की कोशिश कीजिए जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिए एंड देन गो फॉर एन आंसर इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं आंसर है ए अब कैसे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के बीच में डिफरेंसेस क्या है? वो हैं वो देखते हैं भरतनाट्यम में भरतनाट्यम डांस एक हरिया कहा जाता है इसको कि एक डांसर है एंड ही टेक्स ऑन मेनी रोल्स इन अ सिंगल परफॉर्मेंस कुचिपुड़ी ऑन द अदर हैंड इज अ डांस ड्रामा ग्रुप में भी किया जाता है और सोलो आइटम्स भी हैं राइट right? अब डांस ड्रामा आ गया जो बोलने वाली बात है वो कुचीपुड़ी में प्रेजेंट है देन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट अगर हम बात करें ट्रांजिशनल मूवमेंट्स हैं भरतनाट्यम में लेग हिप और आर्म की इसमें कॉस्ट्यूम्स ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी की एक इंपॉर्टेंट प्लेस है कुचीपुड़ी में देन यहां पे एक्सप्रेसिव आई मूवमेंट्स हैं और हैंड जेस्टर्स हैं जिनसे इमोशंस कन्वे किए जाते हैं राइट right? देन तीसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज कुचिपुड़ी में जो सोलो आइटम्स हैं दे आर मंडुका शब्दम स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग इन देन बाल गोपाल तरंग डांस ऑन द एज ऑफ अ ब्रास प्लेट विद विद्चर फुल ऑफ वाटर ऑन हेड तो ये जो है ये कुचिपुड़ी का पार्ट है स्टेटमेंट टू जो थी ना कि भरतनाट्यम का कुचिपुड़ी की वन ऑफ दी सोलो परफॉर्मेंसेस है जो डांसिंग ऑन अ ब्रास प्लेट विद फीट ऑन द एजेस, अ पिक्चर फुल ऑफ वाटर ऑन योर हेड राइट तो इंपॉर्टेंट चीज देन कुचिपुड़ी में भिनयम करके एक चीज है विच मीन्स लिप मूवमेंट मतलब जैसे कि आप गाना खुद गा रहे हो राइट द डांसर इज सिंगिंग द सॉन्ग ऐसी कोई लिप मूवमेंट भरतनाट्यम में प्रेजेंट नहीं है देन भरतनाट्यम जो है इट इज नोन फॉर एलिगेंस ग्रेस सॉफ्टनेस क्लैरिटी राइट इसेंशियली जो पोजेज uh, हैं वो वेरी स्कल्पचर ओरिएंटेड है स्कल्प्टेड पोजेज हैं राइट कि जैसे स्कल्पचर्स आपको टेम्पल्स में मिलेंगे टेम्पल्स की दीवारों में मिलेंगे तमिलनाडु में वैसे पोजेज भरतनाट्यम डांसर्स परफॉर्म करते हैं कुचिपुड़ी ऑन द अदर हैंड हैज मोर राउंडेड पोजेस राइट right? हमने कुछ फोटोग्राफ्स uh, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे लगाई हैं आप देख सकते हैं ये भरतनाट्यम लाइक अ वेरी स्कल्प्टेड पोज राइट और ये कुचिपुड़ी अ मोर राउंडेड पोज तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ट्यम और कुचिपुड़ी के बीच में राइट अगेन कमिंग बैक टू अगर आपको आपने वो चीज नहीं सुनी हुई नहीं पढ़ी हुई तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा और आगे मूव ऑन करना पड़ेगा यू विल अदर ऑप्शन राइट सो दिस इज वन ऑफ दोज देन अगला क्वेश्चन द्रुपद के बारे में अगेन तीन स्टेटमेंट है आप स्टेटमेंट पढ़िए द्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन दी राजपूत किंगडम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड दूसरा इट इज अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक तीसरा इट यूज संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्र आपके सामने चार ऑप्शन हैं। अगेन फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है अगर आपको आता है तो आता है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर पाएंगे नहीं पता है तो प्रॉब्लली यूल हैव टू मूव ऑन फिर भी हर क्वेश्चन में मूव ऑन करने से पहले एक एक जरूरी चीज जो आपको याद रखनी चाहिए समथिंग विच आई मस्ट टेल यू टू रिमेंबर बाय हार्ट तीनों स्टेटमेंट या दोनों स्टेटमेंट या चारों स्टेटमेंट जो भी हो ढंग से पढ़िए हो सकता है कि स्टेटमेंट में से आप आंसर निकाल पाए फर्स्टली अगर आपको यह पता है कि द्रुपद एक एंशंट सॉर्ट ऑफ तरीके से इवॉल्व हुआ है राइट एंशियंट टाइम से चले आ रहा है और मुगल पीरियड के टाइम पे नहीं इवॉल्व हुआ तो आप स्टेटमेंट वन यहीं पे नेगेटिव कर सकते हैं कि स्टेटमेंट वन गलत है ये करेक्ट नहीं है अगर आपने स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट कर दी ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया अब ये भी हो सकता है देन प्राइमरीली ये प्राइमरीलीवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक अगेन अगर आपको पता है कि ये करेक्ट है which it is, आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तो आप ये भी इलिमिनेट कर सकते हैं आपके सामने एक ही ऑप्शन बचती है राइट पार्शल नॉलेज से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं अगर आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करें सही से राइट right? तो द्रुपद क्या है नेम्ड आफ्टर और

ट्रेसिंग इट्स ऑरिजिन टू दामवेद राइट तो मुगलों के अंडर नहीं इवॉल्व हुआ साइव करता है, है द्रुपद में ऑन में प्योरिटी ऑफ द राग राइट right? देन जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है वो वोकल सेंट्रिक है कैसे किस किस टाइप के वोकल फॉर्म एसोसिएटेड है हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ ख्याल गजल द्रुपद धमर तराना और ठुमरी सो द्रुपद इज वन ऑफ द वोकल फॉर्म्स एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और जो इसका अलाप है द्रुपद का जो अलाप है इट इज पॉपुलरली थॉट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत मंत्र तो एंड इट इज सेट ऑन सेट पैटर्न ये वाला राइट right? तो ये अगर आपको नहीं भी पता है तो भी चलेगा आपको बेसिक चीजें जाननी है कि एंशंट है मुगलों के टाइम पे नहीं इवॉल्व हुआ है राइट right? uh, मुगलों के टाइम पे ओरिजिनेट नहीं हुआ है दूसरा कि डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक है विच इज फेयरली कॉमनली नोन राइट तो इसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको एज देंगी राइट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे बट अगर आप ये चीजें पढ़ के गए हैं तो आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज अप्लाई करके बाकियों से एज हासिल कर सकते हैं बिकॉज देर बी सम समेरली फेयरली सिंपल क्वेश्चन जो सबको आते होंगे जैसे कि ये, कि ये किस को रेफर करता है इन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स सीम लाइक इट अ रिलीजियस सेट प्रोबली नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी नहीं अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन जी हा फेयरली सिंपल क्वेश्चन कि एक मेन श्राइन होती है और चार सब्सिडरी श्राइन्स होती हैं उस टाइप के टेंपल को पंचयतन कहा जाता है मेन श्राइन सराउंडेड बाई फोर सब्सिडरी श्राइन्स एट फोर डिफरेंट पंचयतन टाइप की एक पूजा भी होती है जहां पे आप पांच डिफरेंट डीटीज को वर्शिप करते हैं राइट right? तो ये जो था टेम्पल्स के कॉन्टेक्स में था तो पंचयतन इज अ टाइम्प इज अ टाइप ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन देन मूविंग ऑन इबादत खाना के कॉन्टेक्स में अगेन फेयरली सिंपल क्वेश्चन इबादत खाना सबको पता होगा इबादत खाना क्या था एक प्रेयर हॉल था अकबर का जहाँ पे वो हर रिलीजन के स्कॉलर से डिस्कशन किया करते थे उस रिलीजन की टीचिंग्स के ऊपर राइट तो इबादत खाना और हाउस ऑफ वर्शिप 1575 में अकबर ने बनाया फतेहपुर सिकरी में टू गैदर स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स और उनसे उनकी रिलीजियस टीचिंग्स डिस्कस करते थे राइट हिंदुइज्म uh, के हों इस्लाम जोरोस्ट्रनिज्म क्रिश्चियनिटी अथी को बुला के भी उन्होंने डिस्कस किए डिबेट किए उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं राइट और ये सब डिस्कशंस के बाद उन एक कंक्लूजन पे वो पहुंचे कि सारे के सारे रिलीजन लीड टू दी सेम गोल तो इबादत खाना अकबर का हाउस ऑफ वर्शिप राइट फेयरली सिंपल क्वेश्चन देन ये आपको ऑप्शंस कंसीडर करनी है और बताना है कि इनमें से कहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स हैं और दे आर नोन फॉर देर म्यूरल पेंटिंग्स राइट अब अजंता केव्स हमें पता है यस करेक्ट दे आर नोन फॉर देर म्यूरल्स सांची स्तूपा हमें पता है कि यहाँ पे म्यूरल्स ऐसा नहीं है राइट दे आर नॉट नोन फॉर देर म्यूरल्स पर्टिकुलरली अब थ्री इनकरेक्ट है तो थ्री नहीं हो सकता ऑप्शन में वन करेक्ट है तो वन होना चाहिए ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शंस बचती हैं नहीं पता है तो हियर इी मेक एन इंटेलिजेंट गेस अब इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत आपका कितना साथ देती है क्या लॉजिक आप अप्लाई करते हैं इसका करेक्ट आंसर है बी वन एंड टू लिपाक्षी टेंपल जो है विजयनगर स्टाइल से बना हुआ टेम्पल है और जो भी एक्सपोज सर्विस है इस टेम्पल का वहां पे कार्विंग्स और पेंटिंग्स हैं तो इट इज एक्चुअली क्वाइट डीसेंटली वेल नोन फॉर इट्स म्यूरियल एंड फ्रेस्कोस राइट तो अगर आपको ये बार, ये बात पता है तो वेल एंड गुड नहीं तो यूल है चूज द करेक्ट आंसर इसके जो फ्रेस्कोज हैं दे आर डिटेल्ड वेरी डिटेल्ड एंड इन ब्राइट कलर्स ब्राइट ड्रेसेस कलर्स में हैं जो जितने भी सीन्स यहाँ पे पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं फ्रेस्को में म्यूर में सीन्स हैं राम एंड कृष्ण फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत एज वेल एज पुराना राइट इसके सीलिंग से एक फ्रेस्को की जो इमेज है वो आपके साथ हमने यहाँ पे शेयर करी है लिपाक्षी टेम्पल से राइट right? तो कल्चर में यही ट्रेंड होता है कि कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं जो आते होते हैं कुछ क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं जो बहुत ही लिमिटेड बच्चों को आते होते हैं बट इट इज ऑलवेज गुड टू अप्लाई वट एवर नॉलेज यू हैव हो सकता है आप कई बार कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी क्रैक कर पाए स्टेटमेंट हो सकते हैं उसके नीचे सिंपल दी हो राइट right? तो खुले दिमाग से स्टेटमेंट पढ़ो किसी भी क्वेश्चन की जब पढ़ो ये मत सोचो कि ये तो मेरे को आएगा ही नहीं ठंडे दिमाग से जो भी आपको नॉलेज है वो अप्लाई करो अगर नहीं आता है देन अफकोर्स मूव ऑन बट ट्राई कि कुछ ना कुछ लॉजिक उसका डी कर पाओ राइट right? तो ये थे पांच क्वेश्चंस आज के प्रीमिक्स में आ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वाचिंग जो 2021 के अटम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो सेकेंड बैच है हमारे इस 2021 कोर्स के ये शुरू हो गए हैं सारे के सारे राइट पी भी स्टार्ट हो गया है देन ऑप्शनल जो हैं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दोनों शुरू हो गए हैं एज़ वेल एज़ एस कोर्सेज भी शुरू हो गए हैं राइट right? जो इन बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि अभी थर्टींथ जुलाई से ही क्लासेस शुरू हुई हैं इट्स ओनली बीन वन वीक डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट बैच विच कुड बी इवन अ मंथ लेटर टू स्टार्ट ये इंपॉर्टेंट टाइम है यूटिलाइज कीजिए तीन चार हफ्ते वेट नहीं कीजिए अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए एंड गेट ऑन ट्रैक राइट इसमें जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स का पार्ट है जो ट्वेंटी सितंबर से शुरू होगी देन मेंस आंसर राइटिंग भी इस कोर्स का पार्ट है जो सेवनटीन नवंबर दिवाली के बाद शुरू होगी एंड क्रैश कोर्स भी इस कोर्स में आपको दिया जाएगा जो ट्वेंटी सेकेंड फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी वन से शुरू होगा राइट तो इस पी सी एम बैच में आपका ना ही सिर्फ पी सी एम का कॉन्टेंट है बल्कि फिल्म टेस्ट सीरीज है मेन्स आंसर राइटिंग है हंड्रेड प्लस डेज की ताकि आप मेन्स की भी आंसर राइटिंग साथ साथ प्रिपेयर कर सकें एंड क्रैश कोर्स भी इस पी सी एम बैच का पार्ट है एंड इट इज़ दी मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स एनीवेयर इन दी मार्केट राइट तो हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं अगर आप अपना पूरा एफर्ट दे दें तो सक्सेस दूर नहीं है विद दी हेल्प ऑफ दिस कोर्स राइट आज के प्रीमिक्स में इतना ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग